ओए गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एक सोलर लाइट बनाना सिखाऊंगा। सो गाइस, इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर गाइस आपके पास कोई भी प्लास्टिक बॉक्स अवेलेबल है तो आप उससे जो इसको बना सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो MDF बोर्ड से एक बॉक्स बना के आप उससे जो एक लाइट बना सकते हो। और गाइस, वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट जो समझाऊंगा डिटेल में, इसने गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और गाइस, वीडियो के अंत में मैं आपको एक डायग्राम दूंगा जिससे आप जो इसको आसानी से जो है कनेक्शन कर सकते हो। तो गाइस चलिए अभी शुरू करते हैं। तो गाइस इसको यहाँ पर जो है जो हमारा नाइट है इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास फीमेल मेन जो है चार्जिंग पोर्ट है, आप कोई भी पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच चाहिए, जो कि यहाँ पर SPST में यहाँ पर एक स्विच जो है आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको एक LED स्ट्रिप लाइट यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पर आप कोई भी LED का यूज़ कर सकते हो, सिंगल LED का भी यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा बैटरी है 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी। सो गाइस यहाँ पर मैं जो है 18650 लैपटॉप का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी जो है लिथियम बैटरी का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी सारा जो कंपोनेंट है सभी को यहाँ पर फिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट का यूज़ जो है मैं यहाँ पर फिटिंग कर लेता हूँ। आपके जो है अकॉर्डिंग कहाँ पर आपको फिट करना है आप फिट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर जो है फिट हो चुका है। तो गाइस दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट कर दिया हूँ। अभी गाइस यहाँ पर जो हमारा स्विच है इसको गाइस मैं जो हमारा राइट साइड है इस तरह मैं इसको कट करके यहाँ पर फिट कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा दोनों जो है कंपोनेंट है दोनों को मैंने यहाँ पर अच्छे से फिट कर दिया हूँ, और बहुत अच्छे से मैंने फिट किया हूँ। और अभी जो गाइस यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने एक हॉर्न किया हूँ, जहाँ पर मैं यहाँ पर जो हमारा LED स्ट्रिप लाइट है इसको यहाँ पर फिट करूँगा। और जो हमारा हॉर्न की है वहाँ पर से आपको LED का जो वायर से इसको जो है निकालना है, यहाँ पर ग्लू से इसको फिट कर देना है। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, और आप जो इसको ज़रूर जो घर में बनाना, बहुत ज़्यादा गाइस मज़ा आएगा आपको बनाने में। तो गाइस अभी बाहर का जो है सारा काम हो चुका है, अभी अंदर की तरफ सब कुछ सबको बताऊँगा, आप लोग देखते रहिए। तो गाइस इसको मैंने यहाँ पर फिट कर दिया हूँ ग्लू से, मैंने यहाँ पर ग्लू गन से इसको फिट कर दिया हूँ अंदर की तरफ जो मैंने वायर्स को निकालने हो। अभी गाइस यहाँ पर आपको डायोड चाहिए, और डायोड का नंबर क्या है मैं जो है डिस्प्ले पर जो है मेंशन कर दूंगा, आप उसका अकॉर्डिंग डायोड को आपको यूज़ करना है। और गाइस यहाँ पर डायोड का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डायोड का काम है जो हमारा बैटरी है इसको गाइस यहाँ पर चार्ज करेगा। चार्ज करने के बाद जो हमारा बैटरी का जो करंट है वो गाइस वापस से जो हमारा सोनार है अपना फ्रेंड्स रिवर्स में ना जाए करंट, इसलिए जो मैं यहाँ पर डायोड का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता होगा। तो गाइस अभी यहाँ पर कनेक्शन में कर रहा हूँ, और कनेक्शन किस तरह से करना है मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको, डायरेक्ट जो है डायग्राम दूंगा। डायग्राम का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और लेने के बाद आपको अच्छे से बैठ के समझ के डायग्राम को देख के जो है कनेक्शन करना है, जिससे गाइस आप जो है अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। तो गाइस अब मैंने बैटरी को फिट करके यहाँ पर कनेक्शन करना जो है शुरू कर दिया हूँ। मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखो, अंत में आपको डायग्राम मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट डायग्राम का जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लेने के बाद आपको डायग्राम देख देख के जो है कनेक्शन कर देना है। बहुत ज़्यादा ईजी है डायग्राम, और डायग्राम मैंने जो खुद से बनाया है। और गाइज आप जब भी कोई कनेक्शन करो तो आप जो अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग करके करो, कोई भी कंजो से मत करो, अच्छे से यहाँ पर आपको सोल्डरिंग करना है, नहीं तो क्या होगा बाद में आपको परेशानी होगा। इसमें अच्छे से यहाँ पर काम करें। यहाँ पर जो है कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो है डायग्राम आपको मिल गया है, आपको डायग्राम का जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको जो है अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन करना है डायग्राम देख देख के। तो गाइस अभी आपको जो दूसरा भी काम करना है, तो गाइस यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। अभी यहाँ पर सेकंड में आपको एक काम करना है, पर सबसे पहले तो आपको ग्लू से इसको अच्छे से फिट कर देना है जिससे जो हिले नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है, पर जब रू चाहिए तो गाइस यहाँ पर प्लास्टिक मेरे पास रू है प्लास्टिक का, तो मैं इसके अंदर जो कुछ तरह से रू को डाल के अच्छे से पैक कर दूंगा, जिससे क्या होगा इसके अंदर कोई चीज़ जो है नहीं हिलेगा और अच्छे से पैक हो जाएगा। और इससे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, और आपका जो है नाइफ टाइम बहुत जो इसका नाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे से पर काम भी करेगा। तो आपको इसको अच्छे से पैक करके इसका ऊपर का जो ढक्कन है इसको यहाँ पर लगाना है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आपको किस किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आप ज़रूर मुझे बताओ, मैं आपको उसी वीडियो के ऊपर जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो जो आपको दूंगा। और
वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है, इसलिए गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिए। और गाइस यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे, तो और इसका ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ पर चार्ज कम है। सो गाइस यहाँ पर मैं सोनर लाइट का यूज़ करूँगा। सो गाइस यहाँ पर जो मैं सोनर पैनल का जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक पड़ा हुआ था सोनर पैनल, जो कि गाइस यहाँ पर 4 पॉइंट जो है देता है। सो गाइस कभी कभी क्या होता है जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी देता है, 5 पॉइंट के जो है दे देता है गाइस, मैक्सिमम जो गाइस है 5 पॉइंट दे देता है। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको बॉन्डेज जो देता हूँ दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं घर के अंदर हूँ और बाहर जो है बारिश हो रहा है थोड़ा बहुत, और मैं जो है इसने गाइस धूप भी नहीं है बाहर, इसने यहाँ पर जो है बॉन्डेज जो थोड़ा सा कम है, 3 पॉइंट के आसपास जो है बॉन्डेज है। तो अभी जो हमारा जैक है इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, जिससे जो हमारा नाइट है जो चार्ज होगा। यहाँ पर मैंने फिट कर दिया हूँ, अभी आपको इसको चार्ज कैसे करना है, आपको धूप में लेके जाना है, सोनर पैनल को रख देना है, उसके बाद इसको इस तरह से आपको लगाना है, इससे क्या होगा ये जो है चार्ज होता रहेगा। और गाइस बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, आपको जो है 4 घंटा रखना है, सही से गाइस चार्ज हो जाएगा। और इसका ब्राइटनेस अभी देख सकते हो, और इस कैमरा पर जो आपको अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो है ब्लैक कलर का जो वॉल पेपर है, इसने यहाँ पर जो है नाइट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से इसका ब्राइटनेस नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन गाइस आप लोग घर में जो इसको ज़रूर बनाना, आपको जो है पता लग जाएगा किसका इसका जो ब्राइटनेस कितना है, बहुत अच्छा है इसका ब्राइटनेस है। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको करना क्या है आपको पता है, आपको जो है हमारा चैनल को जो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारा जो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद जय भारत।